90s का मॉडल है भाई। भाई आपके उस्ताद को जी वैगन में ही गोलियां लगी थी, आपको उस्ताद मतलब सिद्धू मूसे को भाई थार में लगी थी, जी वैगन में नहीं लगी थी। रजब भट्ट का फोर्ड रैप्टर भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसको मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो फ्रंट वाला उसका फोर्ड रेड कलर का था उसको ब्लैक कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आज के व्लॉग में करते हैं आपका वेलकम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को करो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा दो। तो आज लाहौर में है पाक व्हील्स ने जो स्पॉन्सर किया हुआ है एक फोटो शो, और जिधर बहुत ही ज़्यादा मज़े मज़े की गाड़ियाँ हुई हैं चलते हैं उधर, तो आपको दिखाते हैं सारा शो और इन्जॉय करते हैं। अगर अभी तक आपने भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल करो सब्सक्राइब और व्लॉग को करो कंटिन्यू। फिर एक तो शोर बहुत ज्यादा है और दूसरी अचानक ही मुझे बंदा मिल गया जो जिसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था। ये पता नहीं कहाँ से मतलब के आ गया। अच्छा मीर भाई गाड़ियाँ दिखाओ यार आवाज। अच्छा अभी है इलेक्ट्रिक कार, ये सारी इलेक्ट्रिक है, सारी इलेक्ट्रिक। ओहो ये सारी इलेक्ट्रिक कार है, अभी वन बाय वन करके आपको हर एक कैटेगरी दिखाएंगे। बाइक से तो देख ले, अब इसका इंटीरियर चेक करेंगे कि जो सबसे ज्यादा फोकस होता है ना वो इसकी इनर साइड पे होता है। तो चलते हैं देखते हैं इनर साइड पे ये किस तरह का फील आता है। बहुत ही ज्यादा मजे की चीज है और ऐसा फील आ रहा है ना कि बंदा बस इसको भगा के ले जाए। टोटली सारी ए टू जी इलेक्ट्रिक है। आपको कैसा फील आ रहा है मीर फरान? बहुत मजे का यार फील है, एंजॉय कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना क्या क्या फील आ रहा है रोज रोज में रोज रोज नहीं है, उससे भी हैवी चीज है। सारी इलेक्ट्रिक है और ए टू जी बहुत ही ज्यादा मजे की चीज है भाई, इसे देख के बंदे के पैसे पूरे रहते हैं। जिसमें हम पहले बैठे थे वो भी इलेक्ट्रिक थी और वो भी टेस्ला की थी और ये भी टेस्ला की है, और इसका जो फ्रंट शेड है बहुत ही ज्यादा मजे की है, और फर्दर इसके अलावा एयर साइड भी है। हाँ भी मीर यार तू मेरे साथ आ गया, इतने दिन हैवी भी एंजॉय करवा रहा हूँ अल्लाह के बंदे। तू एक गड्डी जिंदगी भी गड्डी नहीं देखी होनी भाई, बहुत मजे की गाड़ी। मैं आपको बोलते इसका और भी दिखा दूँ का। अभी फरहान को चढ़ा दिया स्टेज पे, क्या करेगा अभी? गाएगा, अभी एक गाना गाएगा फरहान भाई, सिंगिंग करेगा, इंपीरियल यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेगा। बिल्कुल हमारे सामने है जी वैगन, लेकिन वो उसका बहुत ही पुराना मॉडल है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि अंदर से इसका इंटीरियर कैसा है। प्राण चले जी वैगन के अंदर जाना है यार। ये वही है ना इसके अंदर देखा सिद्धू मूसे वाला गोली, सिद्धू मूसे वाला नहीं, वो अगला मॉडल है, वो मॉडल था, ये थोड़ा सा पुराना मॉडल है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। मेरे उस्ताद इसके उस्ताद की सिद्धू मूसे वाले को अपना उस्ताद मानते हैं। जी वैगन का जो इंटीरियर है ना वो यकीन माने टोयोटा के पुराने मॉडल से भी बदतर है, इतना घटिया इंटीरियर। ये देखिए यार ये बड़ा पुराना मॉडल है ना, कितना पुराना मॉडल है ये, 90s का मॉडल है भाई। भाई आपके उस्ताद को जी वैगन में ही गोलियां लगी थी, आपको उस्ताद मतलब सिद्धू मूसे को भाई थार में लगी थी, जी वैगन में नहीं लगी थी। अच्छा मुझे पहले कह रहा है कि जी वैगन, क्योंकि मैं उस पर्सनालिटी के रिलेटेड मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे सिद्धू के, लेकिन मुझे पता नहीं था। अब ये इसने मुझे पहले बोला कि भाई उसको जी वैगन में गोलियां लगी थी, अब इसका इंटीरियर देख के साथ ही बदल के कह रहा है उसको थार में लगी थी, थार में लगी थी। हां वक्त अब ये आप लोग बताएंगे कि उसको किस गाड़ी में गोलियां लगी। सच बोला अंदर चूहे मार गए, अंदर से एक तो
स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है मेरे ख्याल में, किसी ने ना आई थिंक 20-25 साल पहले की बंद की हुई है, उसे ऑटो शो भी इसको आगे खोला है लग रहा है ना। अभी भाई हम चलते हैं, बाहर नहीं तो हमारी सांस बंद हो जाएगी, लेकिन ये इतनी मजे की नहीं थी। जो इलेक्ट्रिक कार थी ना उनका तो अपना ही मजा था। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो इधर लग रही है ना, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स के बाद, ये ट्रक टाइप जो मॉन्स्टर गाड़ियां खड़ी है ना, ये लग रही है। अब इसमें बैठ के चेक करते हैं, इसका इसका इंटीरियर कैसा होगा तेरे अंदाजे से? इसका इंटीरियर उससे बेहतर होगा। अजीब वैगन का इंटीरियर तो बिल्कुल ही गंदा था। इसके अंदर चल के देखते हैं कि इसका इंटीरियर कैसा है। तो ये मॉडल कौन सा है, कंपनी कौन सी है? मॉन्स्टर माउंटेन्स पे। अच्छा, वो मेरे ख्याल में जो रैली वगैरह में यूज होती है सारी, ये वो वाली है। ये मोन्सा ट्रक का जो मतलब इंटीरियर है ना, ये थोड़ा सा मजे का, लेकिन ये भी पुराना मॉडल है। लैंड क्रूजर का इसका ये लगा हुआ है, और देन इसके बाद अब ये वो मेरे ख्याल में जो बसेस में नहीं होता था पुराने जमाने की, ये मेरे ख्याल में फंस गए। इसको कहते हैं अंदर। ए आजा आजा अंदर आजा, जल्दी आ, पिंडी 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 पिंडी, जल्दी आ जल्दी आ। मेरे ख्याल तू हीरा मंडी जाने वाला बंदा है, सांडी नहीं तो जाना समझ यार। ये मेरी बात सुनो, इसका जो ये चीज है ना, वो पुरानी बसेस नहीं होती थी मतलब कि 2000 से भी पीछे, वो पाँ पाँ वाली, ये वो लग रहा सीन है ना, बहुत लेवल की चीज है, यकीन करो। लेकिन ये है मजे की चीज है, मजे की चीज है यार, ये बहुत ही हैवी चीज है। और ये एक नहीं है, ये एक येलो में खड़ी है इस तरफ सामने, और ये डार्क ग्रीन है, और ये आई थिंक येलो टाइप है। ये बहुत ज्यादा मजे की है, बहुत सर आ रही है। बाकी चलते हैं और जाके देखते हैं। एक इधर बिल्कुल ही मतलब जिस तरह पाकिस्तान ये वो है ना, शेप का डाला खड़ा हुआ है, लेकिन इसका लोगो ये है, और मुझे इस लोगो का मतलब इस कंपनी का बिल्कुल ही पता नहीं है। और ये बहुत ही मजे की चीज है, इंटीरियर आप चेक करें, बहुत ही ज्यादा मजे की चीज है। इसको फ्रंट से दिखाते हैं, और बहुत ही अच्छी चीज है। ये जायंट गाड़ी है, सही जिसे कहते हैं ना, सही मॉन्स्टर और जायंट, वो ये चीज है। फरहान तू गाड़ी है क्या, इतना सा लग रहा है। अच्छा तो फरहान भाई, इसके बाद हम किधर जाएं? आपको सारा सिविक एडिशन दिखाते हैं। अच्छा तो अभी जिंदरान बताएंगे कि कौन कौन सी गाड़ी है। जिंदरान बताओ कौन कौन सी गाड़ी यार, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ये वाली कौन सी है? ये लेक्सस है, ये लेक्सस, मतलब दो लेक्सस है और एक क्रॉन है। कितना आप दिन से मतलब ये कितने साल पुराना मॉडल होगा? पुराने मॉडल ये मेरे ख्याल अपने पैदा होते ही पहले देखे, ये पुराने मॉडल है। अगर आपने लेटेस्ट मॉडल लेना तो हाल वन में मर्सिडीज खड़ी हुई है, लेटेस्ट मॉडल पोर्शे खड़ी हुई है, वो मतलब चले फिर उधर, वो आप उसमें नहीं गए? नहीं आपने खड़े हो यार, मैं इधर हमें फटक रहा हूँ, मतलब मेन चीज मैंने देखी नहीं। A few moments later. अभी चलेंगे हॉल वन में। हॉल वन में कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? हॉल वन में मैं कहता हूँ सबसे, इन दोनों हॉल में से सबसे जो स्पोर्ट्स कार ज्यादातर होगा ये खड़ी। और वहाँ पे मजे की बात ये है कि इधर सारे मोस्टली मैंने जो देखा एक जी वैगन थी, वो भी पुराना मॉडल थी, मतलब कि मोस्टली पुराना मॉडल ही खड़ी थी। लेकिन जो मतलब के हॉल वन में, मतलब हॉल टू में सारी पुराने मॉडल है, हॉल वन में नए मॉडल है लेटेस्ट। और इधर शोर भी नहीं होगा उस तरफ, मतलब मेन स्टेज उस तरफ लेटेस्ट मॉडल है, इधर शोर भी नहीं होगा। चलते इधर और देखते इधर कौन कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, वो सारी की सारी स्पोर्ट्स कार है, और उसके अलावा न्यू एडिशन जितने भी हैं, पोर्शे हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, रेंज रोवर के जितने भी न्यू एडिशन है, और उसके अलावा न्यू लेटेस्ट जितने भी मॉडल हैं, वो सारे हॉल टू में हैं। हमें इस हॉल में यार बहुत मजा है, मतलब कि यार ड्रीम कार खड़ी है मेरी सारी। नोनी कह रहा कि मेरी जितनी भी ड्रीम कार है वो सारी हॉल वन में खड़ी हुई है, तो चलते हैं उसकी ड्रीम कार देखते हैं। का एक बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल हमारे सामने खड़ा हुआ है, और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं टोटली ए टू सी मॉडिफाई है, वो ये वाली गाड़ी है। क्यों नुमान? मेरी अब तक की मतलब मैं मर्सिडीज को मतलब शुरू से पसंद है, उसकी मेन वजह उसकी कंफर्ट है,
क्योंकि मुझे पता था आपने ये तो पूछना है उसकी रीजन। ये इस यहाँ तक कि अंकल की जो भी मतलब इससे भी महंगी कार है, लेकिन जो मुझे फेवरेट लगी है, लेकिन जो मर्सिडीज की जितनी भी गाड़ियाँ इधर ऑटो शो में खड़ी है ना, उनमें सबसे ज्यादा मजे की ये वाली लेटेस्ट भी यही है। मजे की बात ये है कि यहाँ पे रजब भट्ट का फोर्ड रैप्टर भी खड़ा हुआ है, लेकिन उसको मतलब कि थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो फ्रंट वाला उसका फोर्ड रेड कलर का था उसको ब्लैक कर दिया है, और ए टू जी मतलब कि आवाम ही कह रही कि भाई ये रजब भट्ट वाला फोर्ड ही है। तो पता नहीं इसने लिया था या प्रमोशन के लिए लिया था ये, या तो वो बेहतर जानता है या ऑडियंस बेहतर जानती है, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको कहता हूँ कि जो रजब भट्ट का रैप्टर है ना, वो सर इधर ऑडिशन में लगा हुआ है। Moments later. हम पहले तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा आवाम आना शुरू हो गई है ना, तो इसलिए अब हम तो जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक 8 बजे तक, रात 8 तक ये चलेगा शो, तो अभी हम जा रहे हैं और आवाम बस सारी अब आ रही है, जो पहले नहीं आए थे आवाम अब जा रही है, और इतनी ज़्यादा अंदर रश है ना, मतलब अब जाने का तो फ़ायदा नहीं, इसलिए अच्छे रह गए कि जो टाइम से चले गए हैं और टाइम से हमने अपना जो देखना था अच्छी तरह विजिट करना था कर लिया। अब तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि शायद जाने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि भाई अंदर गुजरने तक एक पाँव एक कदम रखने की जगह तक नहीं है, इतनी ज़्यादा आवाम हो गई है, ऐसा लग रहा है कि पूरा लाहौर सारा इधर ही आ गया एक्सपो सेंटर। A few moments later. आज का व्लॉग इधर ही खत्म करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करें लाइक और चैनल करें लाजमी 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 सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।